के हौसले को सलाम, जहां लुटेरे ने घर में घुसकर चेन छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान लुटेरे को घर से बाहर दौड़ाने का साहस और बहादुरी का परिचय आशा सिंह ने दिया। आशा सिंह ने 70 वर्ष की आयु में यह साहस दिखाया। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। एसपी ने महिला के सामने जौनपुर पुलिस को धन्यवाद दिया है। आरोपी को जौनपुर पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया। आरोपी का इलाज वाराणसी में चल रहा है। पूरा मामला लाइन बाजार थाना क्षेत्र यूपी की कॉलोनी का बताया जा रहा है। थोड़ा पीछे हट गया, पीछे पीछे मसूद, हाथ पीछे करो थोड़ा। एक उसका चेहरा भी नहीं आ रहा है। हम है बच्चे, छोटे बच्चों के लेके आ रहे थे। 500 साइकिल मतलब मोटरसाइकिल था है। इसके बाद हम अंदर घुसे तो गेट में ताला लगाते समय जो थोड़ा बैग लिए थे उसको मैंने रख दिया। तो रखे बाद जो ताला लगाया तो झटके से खोल के आके हम डर के मारे अंदर हो गए। इसके बाद चैन खींच के लेके भाग गया। अच्छा लगा बहुत। पुलिस या चौकी थाक सब इससे सब लोग पहुंच गए वहाँ। पूरा फोर्स पहुंचा, हमारी बड़ी मदद की। यूपी कॉलोनी को सब अच्छे, सब शांति मिली, सब अच्छा हुआ। ये जौनपुर के शहर एरिया में लाइन बाजार थाना क्षेत्र में एक वरिष्ठ नागरिक महिला है। ये घर पे अपने थी। दिन में 12:30 बजे एक लुटेरा बाइक से आया और घर के अंदर घुस के उसने इनके साथ चैन छीन लिया। इन्होंने काफ़ी उससे जद्दोजहद भी की। थाना पुलिस इसके बाद लगी हुई थी सीओ सिटी के नेतृत्व में, और एसपी सिटी सीओ सिटी लगातार इस पर अपनी टीम के साथ काम करते रहे। 24 घंटे के भीतर जो लुटेरा अभियुक्त था उसको पुलिस ने ट्रेस कर लिया और उसे गिरफ्तारी करने पुलिस गई तो उसने पुलिस टीम पर फायर किया। काउंटर फायर में उसको गोली लगी है और जो चैन छीना गया था वो चैन बरामद हो गया है। आज इनको इसीलिए बुलाया गया था कि चैन अपना पहचान रही है और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके इनको चैन यहाँ सुपुर्द किया जा रहा है। अगली